कोरोना काल के दौरान जैसे ही शहर अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, वैसे ही अपराध भी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर डीआईजी खुद बीती रात शहर का भ्रमण पर निकले। इस दौरान वे एमआईजी थाने पर भी पहुंचे और पुलिस कर्मियों से बातचीत कर उनकी परेशानी जानी और अपराध पर रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान अपराधों पर रोकथाम लगी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे अब शहर सामान्य हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। बीते पिछले दिनों एक ही दिन में 3 हत्या के मामले सामने आए, वहीं लूटपाट और चाकूबाजी की घटनाएं भी बढ़ी। इसको लेकर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र खुद शहर भ्रमण पर निकले और कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान वे एमआईजी थाने भी पहुंचे और पुलिसकर्मी से उनकी परेशानी जानी और अपराध रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने माना कि पिछले दिनों अपराध जरूर बढ़े हैं, लेकिन पुलिस ने कई बड़े मामलों का खुलासा भी किया। अब पुलिस जल्द उन बदमाशों पर आंसूका और जिला बदर की कार्रवाई करने वाली है, जो हाल ही में दिनों में लगातार अपराधों में शामिल रहे हैं। साथ ही उनकी संपत्ति की जानकारी भी ली जा रही है। मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि जो अनलॉक डाउन जो वन हुआ है, अनलॉक मुख्य तौर से लॉकडाउन खुलने के बाद से कई तरह की आकस्मिक तौर पे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। लगभग देश में हर जगह इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। यहाँ पे पुलिस ने शुरू से ही इसकी तैयारियाँ भी की थी कि अगर किसी तरह की अप्रत्याशित स्थिति आती है, किसी तरह के अपराधों में बढ़ोतरी होती है, तो पुलिस उसकी सख्ती से और बड़ी मजबूती से उसका सामना कर सके। उसी मामले को बिंदु को लेकर के लगातार थानों में लोगों को सजग किया जा रहा है। अपने जो हमारी टीम है उसको ज़्यादा इसके लिए सचेत किया जा रहा है कि मुख्य तौर पर जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं उसको लेकर के वो सजग रहें। बारिश के समय में यूँ भी देखें तो पूरे साल में बारिश के समय नकबजनियों में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इस समय नकबजनी के साथ साथ अगर किसी भी तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स या चैन स्नैचिंग इस तरह की घटनाएं ना बढ़ें, इसलिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और उसी कड़ी में हम लोग थानों में अपने जवानों से और जो साथ के अलग अलग हमारे अन्य अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको इसके लिए जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, एक नई लिस्ट तैयार की है, पुलिस इस तरह के जैसा कि हमने बताया कि अपराधियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई कर रही है। बड़ी संख्या में 15-20 दिनों में 75 से ज़्यादा आर्म्स पकड़े गए थे, जिसमें कि काफ़ी उन्नत किस्म के थे। साथ ही बड़ी संख्या में अवैध शराब पकड़ी गई है। अगर हम पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो लगभग 8 से 10 बड़े 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक अलग अलग उसमें अपराधियों जिनके ऊपर इनाम घोषित था उनको पकड़ा गया है। तो पुलिस ने इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की हैं और इस कड़ी में ही आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के विरुद्ध जिला बदर और NAC की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिनका हाल के दिनों में ही सक्रिय आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उस बिंदु पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो आपराधिक पृष्ठभूमि मुक्त जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं जिनके खिलाफ चैन स्नैचिंग लूट जैसी वारदातें की हैं, उनकी भी सूची बनाई जा रही है ताकि उनके फिर जो संपत्तियां हैं उनका भी आकलन कराया जाएगा कि कहीं वो अतिक्रमण में तो नहीं है, और उसका अन्य टीमों के साथ उसका सर्वे करके आगे कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।